सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम मैं जींद में हूँ और जींद में कांग्रेस का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था। आज हमारे साथ दीपेंद्र जी हैं, उनसे बात कर रहे थे क्या कुछ उनका कह गया। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आज का जो कार्यक्रम था उसको क्या कुछ कहना है आपका? आज का कार्यक्रम था विपक्ष आपके समक्ष जी। प्रजातंत्र में संवैधानिक व्यवस्था में विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है जी। वो जिम्मेदारी ये रहती है कि लोगों के बीच में जाए, लोगों के हकों की बात उठाएं और उन लोगों की लड़ाई लड़ें जी। व्यक्तिगत रूप से हम सारे अपने हलकों में, सारे जो हमारे विधायक हैं 31 विधायक जी, सारे अपने हलकों में और विधानसभा में उड़ा साहब के नेतृत्व में बात उठाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जी हम लोगों के बीच में जाएं और जो बातें आएं हर जी, जिले से जी, उनकी वो लड़ाई विधानसभा हरियाणा में भी लड़ी जाए और देश की संसद में भी लड़ी जाए। हालांकि देश की संसद में हमारे पास वो संख्या बल नहीं है जी, 15 में से 14 सांसद भाजपा के जी, जी। लेकिन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो वहाँ भी लोगों की अच्छे से आवाज उठे, विपक्ष के एकमात्र सांसद के रूप में वहाँ भी प्रयास करो। तो यही आज कार्यक्रम का रूप है, ये जो कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष जी, पूरा विपक्ष लोगों के बीच में जाए, लोग जो बात बताते हैं उन बातों को लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। दीपेंद्र जी मैं जानना चाहूंगा, जो आज लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, इस तरह का पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि एक्सपेरिमेंट था, वो आज का कितना सक्सेस रहा, कितना क्या कुछ जो है? अभी आज दूसरा कार्यक्रम है, पहले करनाल में हुआ, दूसरा जींद में हुआ जी। अब हरियाणा के हर जिले में हम जाएंगे जी, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्गों की तरफ से बड़े अच्छी तरीके से बात रखी जी। आपने देखा होगा हमारे सीमार साहब थे, उन्होंने जो गरीब आदमियों की योजनाएं जो बंद हुई जी, उनके बारे में रखा। गर्ग साहब आपके पीछे मौजूद हैं जी, जी। इन्होंने जो है एक अपनी आज ये भी बोले गर्ग साहब, तो इन्होंने जींद के व्यापारियों की तरफ से अपनी बात रखी। तो जो हमारे लगभग एक दर्जन लोग जी जो है अपनी अपनी जिन्होंने आज अपने अलग अलग अपनी बातें रखी जी। और ये देखिए आज इतना वरिष्ठ नेतृत्व तो मौजूद था जी, लगभग जो है अपना 25 के करीब विधायक हमारे थे और 50 के करीब पूर्व विधायक थे स्टेज जी, जी। लेकिन आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब का एक ये नजरिया था, दृष्टिकोण की लोगों की बात ज़्यादा सुने। अगर हम सारे लीडरशिप की अगर बात रखते तो वो दूसरा रूप होता कार्यक्रम का। वो आज हम हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं कि उस बारे में उन्होंने कहा कि रैली करेंगे जी, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ करेंगे, तो आज उन्होंने कही वो बात, उनका धन्यवाद। तो आज इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, जो उन्होंने समस्याएं बताई उनका कुछ निदान भी होगा या सिर्फ एक रैली प्रोग्राम तक? हम एक एक जो बात उठाई गई है और एक एक जो पर्ची मिली, आज बहुत लोगों ने अपनी बातें बताई जी, उनकी लड़ाई हम हरियाणा विधानसभा में भी लड़ेंगे और देश की संसद में भी वो बात उठाएंगे। एक जल भराव की एक मेन बात आई जींद में, जींद के सड़कों की खस्ताहाल की एक मेन बात आई जी। DAP की तो बात आ रही है पूरे प्रदेश से आ रही है कि कोने से, जींद के अस्पताल में ना डॉक्टर है जी, ना जो हमारे समय अस्पताल बना था, ना जींद की यूनिवर्सिटी जो हमारे समय स्थापित की गई थी उसमें ना वाइस चांसलर है ना रजिस्ट्रार है, आधा स्टाफ नहीं है। जींद के स्टेडियम को अच्छी सुचारू ढंग से तैयार नहीं कराया गया जो कि हमारे समय बन चुका था, लेकिन उसको जिस तरीके से चलाना चाहिए था आज वो नहीं चल रहा। तो ये सारी बातें आई और इन बातों को लेकर हम हरियाणा की विधानसभा में और देश की संसद के अंदर बातों को पहुंचा। आज के कार्यक्रम से आप खुश थे? जितनी भीड़ हुई, जितनी लोगों की समस्याएं हुई, जो मैनेजमेंट हुई उससे कितना सेटिस्फाई जी? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जींद में जो है इस तरह कार्यक्रम पहले नहीं हुआ कभी, और ये इतना विराट रूप एक तरीके रैली जी, हमने सोचा हम कार्यक्रम तो था ये केवल एक आप इसको ये माने कि भाई ये जो मुख्य रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो गांव शहर में जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहें, जो समस्याओं को लेकर आएंगे, हाँ जी, वो उसका कार्यक्रम था जी। लेकिन इसको एक तरीके से आज आपने देखा होगा रैली का रूप आपने दिखाई दिया होगा जी। तो ये लोगों की एक भावना है, लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों ने बहुत मेहनत करी, सभी साथियों ने जिन्होंने मेहनत करी, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।